हेलो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के सीरीज में अब तक हम लोगों ने जाना कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को किन किन तरीकों से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं समराइज कर देता हूँ अपने लास्ट वीडियो के कि वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर जिसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। वेरिएबल को तीन तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते हैं, यूजिंग वेर, लेट और कॉन्स्ट। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वेर, लेट एंड कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है और कब हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो उन सब चीजों को जानने से, डिफरेंस को जानने से पहले हमें कुछ टर्मोलॉजी होती है उसको जानना है। वो होते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है? स्कोप हमें बताता है कि वेरिएबल को एक्सेसिबिलिटी। स्कोप डिफाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल। तो स्कोप तीन प्रकार के होते हैं, पहला ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है? मतलब वो ग्लोबली उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन स्कोप मतलब वेरिएबल फंक्शन के अंदर है और उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक स्कोप मतलब क्या होता है? वो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर है, उसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको कोड में फॉर्म में देखते हैं हम लोग, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बारे में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने अपना डिक्लेयर किया वेरिएबल वेलकम। ठीक है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे प्लस का आइकन है, मैंने इस पर क्लिक किया हूँ और एक नया फाइल बना लिया हूँ, वेल लेट कॉन्स डॉट जेएस। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया वेरिएबल वेलकम, आप भी डिफाइन कर सकते हैं वेर वेलकम और जो भी लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल है लाइन नंबर 4 में, ये ग्लोबली डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, लाइक ये कहीं भी एक्सेस, लाइक अगर मैं फंक्शन के अंदर कंसल्ट करूँ तो तब भी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये वेरिएबल ग्लोबली स्कोप है, लाइक ग्लोबली डिक्लेयर हुआ, तो ये इसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ये दो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको लिख के, जैसे इफ ब्लॉक होता है। ठीक है, इफ ब्लॉक में जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो अगर वो कोई वेरिएबल इस ब्लॉक के अंदर है तो उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, मतलब अगर कोई कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं देन उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन स्कोप या लोकल स्कोप के बारे में। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है इनसाइड फंक्शन, फंक्शन के अंदर, उसको बोलते हैं लोकली स्कोप या फंक्शन स्कोप। तो ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ फंक्शन के अंदर रहेगा, वी कांट, हम लोग इसको फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो उसको कंसोल करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन फॉल एक्टिविटी एक फंक्शन बनाया है। तो फंक्शन बनाना बहुत सिंपल है, फंक्शन, फंक्शन का नेम, राउंड ब्रैकेट्स एंड कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, उसके बाद अपना वैल्यू जो भी लिखना है उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिया वेरिएबल एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पे कब मैं रन करता हूँ कोड को, लाइक इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने वेरिएबल को और एक्टिविटीज लिख दिया। अब मैं कंसोल किया वेलकम, देन यहाँ पे मेरे को कंसोल में मिल जाएगा वेलकम टू ये। ठीक है, एक्टिविटीज को मैं कहाँ कंसोल लगाया हूँ, तो क्या होता है यहाँ पे, मैं इस एक्टिविटीज को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर मैंने कंसोल लगाया और ये देखा एक्टिविटीज इज नॉट डिफाइंड। तो चलिए एक बार रन करके देख लेते हैं अपने कोड को। मैंने किया अप एरो नोड स्लैश जो भी फाइल का नेम है और टैब मैंने दबा दिया। ठीक है, उसके बाद एंटर मैंने किया, देन यहाँ पे देख सकते हैं पहले था मेरा कंसोल डॉट लॉग वेलकम, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना प्रिंट हो गया वेलकम टू स्वेट एसएसएम। ठीक है, उसके बाद है मैंने एक्टिविटीज को कंसोल किया, देन यहाँ पे देख बता रहा है रेफरेंस एरर, एक्टिविटीज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये रहा लाइक स्कोपिंग के बारे में। ठीक है, ग्लोबल स्कोप जो कि लाइक यू नो ग्लोबली अगर वो डिक्लेयर है उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉक स्कोप, अगर कोई वेरिएबल ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर है, लाइक इफ ब्लॉक, एल्स ब्लॉक, स्विच ब्लॉक जो भी होते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो उसको बोलते हैं लोकल स्कोप या फंक्शन स्कोप। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ और टर्मोलॉजी, लाइक अपडेट, वेरिएबल को अपडेट करना, वेरिएबल को रिडिक्लेयर करना। तो जैसे मैं यहाँ पे, मेरा एक वेरिएबल है वेलकम करके। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे मैंने इसको कोड पहले लिखा है। ठीक है, उसको मैंने अनकमेंट कर दिया, देन यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया वेलकम, वेलकम टू स्वेटर सेशन, और मैंने यहाँ पे कंसोल किया। तो मैं यहाँ पे जिस वैल्यू, जो वेरिएबल है उसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, लाइक रीअसाइन कर सकता हूँ इस वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू स्वेटर सेशन, वेलकम टू समथिंग। ठीक है, और ये रहा। ओके, इससे पहले मैं इस कोड को रन करने से पहले इनको मैं कमेंट कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, और मैं अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं रन करूंगा, देन यहाँ पे जो है लाइन नंबर 26 में अपडेटेड वैल्यू मिलेंगे। इसको बोलते हैं देखिए वेलकम टू स्वेटर सेशन, और यही जो वेलकम है ये अपडेट हो जा रहा है नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो
तो वेरिएबल को हम लोग ऐसे अपडेट भी कर सकते हैं अगर वो वेरिएबल वैसे डिक्लेयर हुआ है तो। ठीक है, ये रहा अपडेट और इसको रिडिक्लेयर करना। तो रिडिक्लेयर क्या होता है, ये तो रहा अपडेट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं रिडिक्लेयर क्या होता है। ठीक है, अगर मैंने कोई वेरिएबल है वेलकम करके, उसको मैं अगेन रिडिक्लेयर मतलब अगेन उसको एक बार डिक्लेयर कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं रिडिक्लेयर। जैसे मैंने वेलकम को डिक्लेयर किया, फिर अगेन मैंने उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इसको बोलते हैं रिडिक्लेरेशन। ठीक है, ये तो रही नॉर्मल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो काफी आपको मदद करेगी इफ लाइक लेट कॉन्स वेरिएबल डिफरेंस को समझने के लिए। ठीक है, तो अब चलिए जानते हैं वेरिएबल लाइक वैर के बारे में कि वैर क्या है। तो वैर जो है बिफोर लाइक ES6 2015 के पहले सिर्फ वैर ही तरीका होता था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल जो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो कैन बी स्कोप ग्लोबली और लोकली। जो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वैर से, वो ग्लोबली लेवल पे होता है या तो लोकली। लोकली मतलब वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार और कहाँ गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक नया मैं कोड बना देता हूँ आपको, न्यू फाइल जावास्क्रिप्ट। तो अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू श्याम। ठीक है, तो ये बन के अपना ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल ग्लोबल स्कोप, माय बैड, तो ये हो गया ग्लोबल स्कोप। ठीक है, और एक और बनाता हूँ फंक्शन चेक समथिंग करके, और यहाँ पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ नेम, नॉट नेम, कुछ और डिक्लेयर करता हूँ, मान लीजिए लेट यूजर इज इक्वल टू रामू। ठीक है, देन ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पे लोकल स्कोप है। तो किसी भी अगर वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द फंक्शन, देन वो लोकल स्कोप होता है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अपडेट द वेर वेरिएबल इफ यू वॉन्ट। जैसे मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग नेम, ओके माई बैड, कंसोल डॉट लॉग, देन यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटपुट श्याम आ गया, यहाँ पे भी देख सकते हैं श्याम। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ग्लोबली स्कोप है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट वेरिएबल जो, इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में मैं कर दूंगा, और मान लेता हूँ मैं इसको कर देता हूँ पाब्लो। ठीक है, और मैं इसको कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग नेम, देन यहाँ पे क्या होगा, पाब्लो गया। तो ये वेरिएबल था, उसका नेम पहले था श्याम, फिर मैंने उसको अपडेट कर दिया, वो हो गया पाब्लो। तो मतलब अगर वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं वैर से, वो ग्लोबली स्कोप होता है, अगर वो फंक्शन के अंदर है देन वो लोकल स्कोप होता है, और उस वेरिएबल को हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो रहा अपडेट का। ठीक है, अगर हम लोग वेरिएबल को वैर से डिक्लेयर करते हैं, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अगेन रिडिक्लेयर कर सकते हैं, वी कैन रिडिक्लेयर द वेरिएबल। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया वेरिएबल नेम, देन अगेन मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ वेरिएबल नेम इज इक्वल टू प्रीति। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम, देन यहाँ पे प्रीति आ गया। तो अगर हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वेर से, वो ग्लोबल स्कोप होता है, अगर वो फंक्शन के अंदर है देन वो लोकल स्कोप होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे लगाऊं आपको जस्ट फॉर सर्टिफिकेट, ये लोकल स्कोप है, तो क्या हम इसको एक्सेस कर पाएंगे आउटसाइड द फंक्शन? जी नहीं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं यूजर को कंसोल, देन ये बोलता है यूजर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये लोकल स्कोप है। इस वेरिएबल को हम लोग सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर पाएंगे, ना कि फंक्शन के बाहर। ठीक है, ये रहा, उसके बाद बोलते हैं तो हम लोग जाना कि वेरिएबल डिक्लेयर अंदर वेर कैन बी स्कोप ग्लोबली और लोकली। तो वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं वैसे, वो ग्लोबली भी हो सकता है, लोकली भी हो सकता है। वेरिएबल को जो डिक्लेयर करते हैं वैसे, उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उसको अगेन रिडिक्लेयर मतलब एक बार और डिक्लेयर कर सकते हैं, होस्टिंग विथ वैर इट इनसाइड। तो होस्टिंग होता है, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग जो होता है जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, जिसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं वो अपने टॉप ऑफ द स्कोप पहुंच जाते हैं। ठीक, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में बताऊंगा होस्टिंग को और डिटेल से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएबल नेम इज इक्वल टू नेम, नहीं यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ लेट कोडर इज इक्वल टू अलीशान। ठीक है, और उसके ऊपर मैं कंसोल लगाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग कोडर, देन यहाँ पे क्या होता है, अनडिफाइंड आता है। तो ये क्यों अनडिफाइंड आता है, होस्टिंग के कारण ये अनडिफाइंड होता है। तो इसको लाइक वैर जो होता है वो होस्टेड होता है।
अभी लाइक इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको बात करेंगे लाइक जावास्क्रिप्ट एडवांस सीरीज में कि होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर वेयर द वेरिएबल डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन मूव एट द टॉप ऑफ देयर स्कोप। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? जैसे हम लोग का ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग हर बार लाइक ग्लोबल स्कोप होता है उसको हर रीड डिक्लेयर कर सकते हैं और लाइक अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत होता है, अगर हम लोग को कोड बेस काफी बढ़ जाता है देन ये कोड काफी बगी हो जाता है, मेंटेन नहीं हो पाता है, तो बहुत ज्यादा बग आएंगे अपने कोड में। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, बस द बेस्ट वे टू डिबग योर कोड इज नॉट राइट बग्स। ठीक है, तो अगर हम लोग वेर यूज करेंगे तो हमारे ऐप के अंदर बहुत सारे बग आएंगे। तो इसलिए बचने के लिए ES6 ने जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया 2015 में लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं लेट क्या होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर विद द लेट इज ब्लॉक स्कोप। तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं, इसको कमेंट मैंने किया। ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप एक बार और देख लेते हैं। ब्लॉक स्कोप मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस उसको बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया लेट प्लेयर इज इक्वल टू मिश्री। ठीक है, तो मैंने बोला कि लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल करूँ प्लेयर को क्या मिले मुझे यहाँ पे प्लेयर मिलेगा? ठीक है, तो ये बोल रहा है प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वेरिएबल जो प्लेयर होता है जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई लाइक ये एरर थ्रो कर रहा है, प्लेयर इज लाइक प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊँ इस ब्लॉक के अंदर देन यहाँ पे देख सकते हैं ये मिस्सी प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है ब्लॉक स्कोप। तो क्या मतलब अगर कोई भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं लाइक इनसाइड कर्ली ब्रेसेस तो वो हो जाता है ब्लॉक स्कोप। तो हम लोग इसको ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। वेरिएबल ब्लॉक स्कोप मतलब हम उस वेरिएबल को सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो ये रहा ब्लॉक स्कोप। लेट से जो वेरिएबल डिक्लेयर था वो होता है ब्लॉक स्कोप, इट कैन री डिक्लेयर विद विदाउट एनी स्लाइजेशन। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे मेरा ब्लॉक स्कोप है, इसको मैंने कमेंट कर देता हूँ ये वाली कोड को, लेट प्लेयर एक यहाँ पे जो है ना वेरिएबल प्लेयर को मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ बिना किसी वैल्यू के, लाइक बिना किसी वैल्यू के। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं कंसोल करूँ प्लेयर को देन यहाँ पे ये इनिशियली अनडिफाइंड ले लेता है, इसी को बोलते हैं कि हम लोग इट कैन बी डिक्लेयर विदाउट एनी स्लाइसेस, बिना किसी वैल्यू को भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने मान दिया यहाँ पे प्लेयर नेम दे दिया मैंने मेशी। ठीक है, और इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं इस वैल्यू को जो है ना, और प्लेयर को हम लोग अपडेट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में। मान लेता हूँ मैं सचिन दे देता हूँ ना, पैसा नेम कहीं है यहाँ पे सचिन हो जाएगा। ठीक है, दुधवा अगर मैं यहाँ पे प्लेयर लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने का कंसोल किया यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्लेयर। ठीक है, देन यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, अगर वेरिएबल मेरा डिक्लेयर हुआ है लेट से देन उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट री डिक्लेयर, लेकिन हम लोग इस वेरिएबल को री डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लेयर मेशी था फिर मैंने उसको अपडेट कर दिया, रीअशाइन कर दिया, बट हम उसको री डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक लेट प्ले एयर इज इक्वल टू पाब्लो, देन ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा सिंटेक्स एरर, प्लेयर्स है ऑलरेडी भी डिक्लेयर। ठीक है, तो ये हम लोग लेट्स जो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं उसको हम लोग री डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो एरर थ्रो करने लगेगा। ठीक है, तो ये रहा लेट के बारे में, लेट वेरिएबल आर होस्ट बट दे आर इन टेम्पोरल जोन। ठीक है, जो लेट वेरिएबल होते हैं जैसे यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँ तो वो भी होस्टेड होते हैं, लाइक वो भी अनडिफाइंड होते हैं, बट वो टेम्पोरल डेड जोन में होते हैं इसलिए हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया लेट से देन ये बोलता है कैन नॉट एक्सेस प्लेयर बिफोर इनिशियलाइजेशन, बट अगर मैं इसको वेरिएबल्स वेयर से डिक्लेयर कर सकता हूँ ठीक है देन ये क्या बोलेगा, अभी देखिएगा, देन ये बोलेगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं लाइक जो होता है ना वो अनडिफाइंड होता है अगर वेयर से डिक्लेयर करते हैं। इसके पहले मैम लोग ऑलरेडी देखा एग्जाम्पल को, अब बात करते हैं कॉन्स्ट के बारे में, कोई कॉन्स्ट क्या होता है। तो कॉन्स्ट भी जो होता है अगर इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ एंड चलिए देखते हैं कॉन्स्ट के बारे में, कॉन्स्ट क्या होता है।
तो कॉन्स्ट और लेट दोनों इंट्रोड्यूस हुए थे ES6 में, ES6 में, जो कि लाइक इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, ठीक है। तो कॉन्स्ट भी लाइक ऑलमोस्ट सेम होता है लेट के जैसे ही। ये ब्लॉक स्कोप होता है, पहला पॉइंट ब्लॉक स्कोप होता है, मतलब अगर हम लोग किसी वेरिएबल को लाइक ये रहा इफ समथिंग ट्रू, ठीक है, और इसको हम लोग ने डिक्लेयर किया कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू रामू, ठीक है, और हम लोग इसको एक्सेस करें आउटसाइड द ब्लॉक, सॉरी 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 सॉरी, आउटसाइड से ब्लॉक अगर इसको हम लोग एक्सेस करें, देन ये बोलेगा यूजर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर था कौन से, वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब उसको सिर्फ ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर पाते हैं, आउटसाइड द ब्लॉक नहीं एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो कौन से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, वो ब्लॉक स्कोप होता है। इट शुड बी डिक्लेयर विथ एनी वैल्यू, तो कौन से वेरिएबल को हम लोग चले ब्लॉक के अंदर चलते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं आर प्लस अप एरो, तो यहाँ पे रामू प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन ना करूं, जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर, देन यहाँ पे क्या बोलेगा सिंटेक्स एरर, तो कॉन्स्ट एरर आ जाएगा कि भाई कॉन्स को कभी भी डिफाइन करते हैं, कभी भी डिक्लेयर करते हैं, देन उसको एक वैल्यू देना पड़ता है कुछ भी। लेकिन ये लेट के साथ सीन नहीं है, लेट प्लेयर, लेकिन लेट के साथ हमें वैल्यू को नहीं डिक्लेयर करना पड़ता है, देन ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट के साथ हमें वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। वी कैन नॉट डिक, ठीक है, सो डिक्लेयर विथ एनी वैल्यू, ये वैल्यू के साथ डिक्लेयर होना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं वी कैन नॉट अपडेट, जैसे हम लोग प्लेयर को अपडेट कर पाते थे, लाइक अगर यूजर है रामू और अगर हम लोग वेरिएबल को लेट से डिक्लेयर किया तो उसको अपडेट कर सकते, लाइक ऐसे यूजर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, बट हम लोग अगर वेरिएबल को कौन से डिक्लेयर कर सकते हैं, देन उसको हम लोग अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही री डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, वी कैन नॉट लाइक उसको हम लोग अपडेट भी नहीं कर सकते, ना ही री डिक्लेयर कर सकते। ये काफी स्ट्रिक्ट होता है अपने लिए, ठीक है। वी कैन नॉट अपडेट द कॉन्स्ट वेरिएबल, वी कैन नॉट री डिक्लेयर द कॉन्स्ट वेरिएबल, ठीक है। और सेम लाइक जैसे लेट मैंने बताया कि लेट भी होस्टेड होता है, बट वो टेम्पररी रीजन में होता है, ठीक है। ये तो रहा लेट एंड कॉन्स्ट के बारे में। बिफोर वी से गुड बाय, लेट एस सम ऑफ व्हाट वी हैड जस्ट डिस्कस्ड, ठीक है। तो वैर क्या होता है, वैर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है, कैन बी अपडेट, अपडेट भी किया जा सकता है, डिक्लेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई सवाल तो नहीं होगा कि फंक्शन स्कोप क्या होता है और अपडेट मतलब क्या होता है, डिक्लेयर मतलब क्या होता है, आई थिंक पता है आपको। लेट क्या होता है, लेट ब्लॉक स्कोप होता है, उसको अपडेट कर सकते हैं बट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, ठीक है। कॉन्स्ट क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, कैन नॉट बी अपडेट एंड रीडिक्लेयर। तो ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में, इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में एफ एस ब्लॉक के साथ। थैंक यू, अगर कोई सवाल है देन प्लीज मतलब कमेंट्स में कीजिए, थैंक यू, बाय।